नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर से आपके सामने संगीत से जुड़ी हुई एक और वीडियो लेकर हाजिर हो चुका हूँ। तो आज हम बात करेंगे पांचवें दिन के रियाज के बारे में। तो देखिए, चौथे दिन हमने रियाज किया था गे गे का, गे गे बोल का। तो गे गे के साथ कौन कौन से बोल का कैसे रियाज करना है, तो वो आप चौथे दिन में देख सकते हैं। तो आज है पांचवें दिन का रियाज। तो आज पांचवें दिन आपने कौन सा बोल बजाना है, तो चलिए मैं उसके बारे में बात करता हूँ। तो देखिए, आज हम रियाज करेंगे धा बोल का। और धा बोल का कैसे रियाज करेंगे, किन बोलों को साथ में बजाएंगे और कैसे बजाएंगे, वो आज हम डिटेल में बात करेंगे। तो आज पांचवें दिन का रियाज है। अगर आप तबला अच्छे ढंग से सीखना चाहते हैं तो फर्स्ट डे से मैंने ये जो कड़ी है शुरू कर दी है, तो फर्स्ट डे से आप देखते हुए आगे बढ़े। और जब फर्स्ट डे का रियाज हो जाए तो दूसरे दिन का रियाज कीजिए, फिर तीसरे दिन का। जैसे जैसे आपका रियाज कंप्लीट हो रहा है, वैसे वैसे रियाज करते हुए आप इस वीडियोस की कड़ी के साथ आगे बढ़ते जाएंगे और आप बहुत अच्छा तबला बजाना शुरू कर देंगे। तो चलिए पांचवें दिन की बात करते हैं। तो धा धा आज आपने कैसे बजाना है, तो देखिए, धा बोल आपने सबसे पहले सेकेंड फिंगर से बजाना। जैसे हमने गे गे बजाया था, देख लीजिए इधर, गे 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 गे, एक दबाना था एक छोड़ना था। ये मैंने गे गे के यानी कि फोर्थ डे के लेसन में डिटेल में बताया, वो अगर आपने नहीं बजाया तो वो देख ले। तो देखिए, गे 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 गे, तो इसके साथ आपने गे गे के साथ ना ना बजाना है। तो देखिए, ना ना, तो बजाना कैसे, देखिए, धा 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 धा, तो एक खुला होना चाहिए, एक आपका जो बोल है वो गे, आपको मैंने बताया था पहले ही कि पहले से आपका दबाना है आपने यहाँ से हथेली से, और दूसरा गोल देना है, हथेली नहीं दबानी है। तो देखिए, धा 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 धा, तो इसका आपने रियाज करना है। अब कैसे करना है, देखिए, पहले आपने बजाना है धा, तो जिससे अकेला यानी कि ये दोनों इकट्ठे नहीं बजाया जा रहे, तो उन्होंने पहले क्या करना है, तो उन्होंने पहले एक उंगली से ही बजाना है, पर इसको दबा कर बजाना है। देखिए कैसे, धा 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 धा, तो इसका थोड़ी देर आपने रियाज करना है, दो या तीन मिनट। उसके बाद आपने फिर इकट्ठा रियाज करना है, एक बार दबाना है एक बार खोलना है। तो देखिए कैसे, धा 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 धा, इसे आपने कंफर्टेबल स्पीड तक लेकर जाना है। जहां पर आपको लगे कि मैं स्पीड में कंफर्टेबल हूं, वहां तक इसे लेकर जाना है। और जब आपको लगे कि एक अच्छी स्पीड में आप अच्छे ढंग से बजा रहे हैं, तो फिर आप नेक्स्ट डे का रियाज शुरू करें। तो पहले आपने धा धा, और एक मैं और स्टाइल बता रहा हूं, दो तीन आपको स्टाइल बताऊंगा, इसमें आपने इसका रियाज आज पांचवें दिन कर लेना है। तो कैसे, देखिए, पहले आपने धा धा एक उंगली से ही बजाना है, दबाकर धा 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 धा, ऐसे रियाज कर लेना। उसके बाद अगर जब आपको लगे ये निकल रहा है, तो दोनों उंगलियों से एक बार दबाना है एक बार छोड़ना है। कैसे, देखिए, धा 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 धा, पहले स्लो स्पीड फिर तेज स्पीड कर सकते हैं बाद में, जैसे मैं कंफर्टेबल स्पीड बता रहा हूं आपको। ऐसे आप बजा सकते हैं। इसके बाद आपने क्या करना है कि पिछले बोलों का भी आपका रियाज हो जाए, तो आपने क्या करना है, देखिए, धा धा के धा धा के धा धा के धा धा के धा धा के, अब या ये कर सकते हैं तो या फिर ये कर सकते हैं आप, के धा धा के धा धा के धा, इससे क्या होगा, आपके के बोल का भी रियाज हो जाएगा और धाधा बोल का भी हो जाएगा, क्योंकि पिछली बार हमने के बोल का रियाज किया था। तो इससे क्या है कि आपका पिछला रियाज भी अच्छे ढंग से होगा और ये वाला रियाज भी अच्छे ढंग से होगा। पर अगर आपने धाधा को अच्छे ढंग से नहीं बजाया और के आप लगा रहे हैं, तो फिर ये गलत है, क्योंकि ये टेक्निक सही नहीं है, क्योंकि आपने धाधा बोल को अच्छे ढंग से नहीं निकाला है।
तो इसलिए धाधा बोल को पहले अच्छे ढंग से निकालें, उसके बाद इसके साथ के को भी जोड़ लें। तो अगर कोशिश कर सकें तो इसके साथ और बोल भी आप लगा लें, जैसे तिन 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 धा धा के तिन धा धा। अब ये देखिए तिन नाना के तिन नाना के, तो ये आप यहाँ पर लगा सकते हैं तिन धा धा के तिन धा धा के। अब देखिए यहाँ पर एक मैं आपको बात बता रहा हूँ, तो कुछ क्या मेरे दोस्त क्या करते हैं, तिन तिन ना तिन ना, उनका जो बोल निकल रहा है, एक दोस्त ने वीडियो भी भेजी थी तो उन्होंने बताया था, तो उन्होंने पूछा भी था कि सर ये जो तिन ना है इसमें डिफरेंट जो साउंड है वो नहीं निकल रही है। तो देखिए डिफरेंट साउंड तभी निकलेगी जब आप मैदान पर ढीली उंगली से, ये मैदान पर आप प्रैक्टिस करेंगे, और इसके बाद साइड पर जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो यहाँ से आपका ना बोल अच्छे ढंग से निकलना चाहिए, और जब ना बोल अच्छे ढंग से निकलेगा तब आपकी प्रैक्टिस अच्छे ढंग से होगी। तो ये तिन तिन ये आप अच्छे ढंग से प्रैक्टिस कीजिए, और इधर नाना किनार पर यहाँ पर आप अच्छे ढंग से प्रैक्टिस कीजिए। जब ये आपकी अच्छे ढंग से प्रैक्टिस होगी तब आपके जो बोल है सही निकलेंगे। तो बस आज आपका यही रियाज है कि आपने जो पिछले बोल है उनका भी अच्छे ढंग से रियाज कर लेना है, और जो आज का लेसन है उसका भी अच्छे ढंग से रियाज कर लेना है। तो आज जो आपने रियाज करना है इसका, ये कम से कम आपने 5 से 10 मिनट इसका रियाज करना है, और एक कंफर्टेबल स्पीड तक उसे लेकर जाना है। तो मैं फिर आज आपका रियाज बता रहा हूँ। तो देखिए पहले आपने बजाना है धा 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 धा, सिंगल उंगली से दबाकर बजाएं, उसके बाद आप गे गे जैसे आपने बजाया था फिर इकट्ठा कर लें धा 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 धा। इसके बाद आपने बजाना है धा धा के धा धा के धा धा के धा धा के धा धा के। तो एक दोस्त ने ये भी पूछा था कि सर इसकी स्पीड कितनी कर सकते हैं, तो एक पिछली वीडियो में मैंने बताया था के की। तो देखिए जहां पर आप कंफर्टेबल हैं स्पीड में वहां तक ही इसे लेकर जाएं, इससे ज्यादा स्पीड को ना बढ़ाएं, क्योंकि इससे क्या है आपका रियाज अच्छा नहीं होगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और जो बेल आइकॉन का बटन है उसे जरूर दबा लें, ताकि आने वाली जितनी वीडियोज है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप संगीत के परिवार से आगे बढ़ते रहें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।